आज हम लोग सीखने वाले हैं ये जो डिजिटल क्लॉक है जो हर सेकंड पर ऑपरेट है ये कैसे HTML CSS और JavaScript से बनाया जाएगा। हाँ लेट्स बिगिन। पहले हम लोगों ने इंडेक्स और डिस्टेंस फाइल लिया। इंडेक्स फाइल में हम लोगों ने जस्ट सिंपल है एक हेडवन टैग लगाया, हेडवन एच टैग लगाया, डिजिटल क्लॉक है और हम लोगों ने लिंकिंग जैसे सर स्क्रिप्ट जैसे फाइल में लिंक किया। नेक्स्ट हमारा CSS फाइल में सर सिंपल कलर दिया है, हमने शेडो वो सब चीज़ें उन्होंने दिया है और कुछ ज़्यादा नहीं किया इसमें, ये सिंपल शेडो और कलर बस। अभी मेन हमारा जो काम है स्क्रिप्ट जो होती है इसका उसके हम लोग शुरू करते हैं। उसके लिए हम पहले क्या करेंगे एक कॉन क्लॉक क्या करेंगे इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, हमें वो आईडी के हिसाब से हम इस पर जैसे फंक्शनलिटी देना है तो इसलिए हमें करेंगे गेट एलिमेंट बाई आई डी और हम लोगों ने उस आई डी का नाम रखा था डिजिटल क्लॉक। ये डिजिटल क्लॉक देने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, हम लोग चाहते हैं कि वो जो क्लॉक है वो हर एक सेकेंड के बाद अब मतलब चेंज होता रहे तो इसलिए हम लोग कहेंगे हम सेट इंटरवल करेंगे। उसके बाद हम लोग कौन डे टाइप हम लोग डिक्लेयर करेंगे इक्वल टू न्यू डे डेट क्लॉक डॉट इनर HTML। उसके बाद हम लोग करना ही चाहिए हम लोगों को चाहिए एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं इसे करते हैं। हाँ अभी हम लोग क्या करना है कि इसे क्लॉक इनर HTML को इसे हम लोग करेंगे अभी डेट। हाँ अभी हम लोग ने डेट जैसे डाल दिया ना क्या हो रहा है देखिए इसमें क्या हो रहा है कि अभी डेट टाइम सारे आ रहे प्रॉपर पूरा आ रहे लेकिन हमें सिर्फ क्या चाहिए टाइम चाहिए इसलिए हम क्या करेंगे टू हमें चाहिए सिर्फ टाइम चाहिए बस। अभी हम लोग चाहते हैं कि हर सेकंड अपडेट होता रहे तो इसीलिए अभी देखिए अभी हमारा क्लॉक रेडी इसमें हर एक टाइम प्रॉपर एक टाइम दिखा रहा है और हर एक सेकंड अपडेट होता रहेगा। थैंक यू।